वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में। यहाँ पर आप देख पाएंगे भारत की प्रमुख क्रांतियाँ। बाय द वे, क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में है, आप सब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ना भूलें। तो समझते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं हरित क्रांति। देखो यार, सबसे पहले जो क्रांति इम्प्लीमेंट हुई थी वो थी हरित क्रांति। इससे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं की खेती पर और चावल की खेती पर, और ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। इसके बाद ही क्रांतियों का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद बहुत सारी क्रांतियां आई अलग अलग फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे, आगे बढ़ते हैं, सब बात करते हैं श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। देखो यार, श्वेत दूध होता है और श्वेत आसानी से ध्यान रख सकते हैं, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, और इस क्रांति का जनन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ध्यान रखना, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बात करते हैं नीली क्रांति, और यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से। देखो यार, जो मछली होती है वो किस पानी में होती है? नीले पानी में होती है, समुद्र में होती है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करते हैं भूरी क्रांति, और भूरी क्रांति यह संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। देखो यार, जो फसलें हैं उनके लिए उर्वरक या उर्वरकों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसी के लिए क्रांति शुरू की गई भूरी क्रांति। क्योंकि उर्वरक होते हैं वो ज़्यादातर भूरे होते हैं, इसी वजह से यह ब्राउन रेवोल्यूशन भूरी क्रांति लाई गई उर्वरक उत्पादन के लिए। आसानी से ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रजत क्रांति। देखो यार, रजत इसका मतलब चांदी होता है, और जो अंडा होता है उसका जो छिलका होता है वो लगभग सिमिलर होता है। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। आगे बात करते हैं पीली क्रांति, और यह संबंधित है तिलहन उत्पादन से। देखो यार, तिलहन सबसे ज़्यादा तिलहन सोयाबीन कैसी होती है? पीली। आसानी से ध्यान रख सकते हैं, तिलहन क्रांति पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। आगे बात करते हैं कृष्ण क्रांति। देखो यार, जो बायोडीजल होता है वो कैसा होता है? काला होता है, और कृष्ण मतलब काला, यानी कि कृष्ण क्रांति जो है वो संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। आगे बात करते हैं लाल क्रांति। देखो यार, लाल टमाटर होता है और मांस होता है। आसानी से ध्यान रख सकते हो, लाल क्रांति यह संबंधित है टमाटर या फिर मांस उत्पादन से। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाल क्रांति किस फसल से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आपको टमाटर मिले तो वो लगाना है, मांस मिले तो फिर उस पर आपको लगाकर आना है। ध्यान रखना, यह जो टॉपिक है इसके फ्री के नंबर मिलते हैं आपको, आसानी से समझ सकते हो बिना किसी ट्रिक के, आराम से याद हो जाएगा, बस थोड़ी बहुत आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे गुलाबी क्रांति, और ये संबंधित है झींगा मछली उत्पादन। देखो, ये झींगा होता है समुद्र में पाया जाता है, और ये गुलाबी क्रांति इसके उत्पादन के, बहुत से लोग इनको क्या है भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए ये क्रांति शुरू की गई गुलाबी क्रांति, और यह संबंधित है झींगा मछली उत्पादन से। आगे बात करते हैं बादामी क्रांति, और यह संबंधित है मसाला उत्पादन से। देखो यार, जो बादामी क्रांति है वो ध्यान रखना मसाला उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए इसको वैसे तो आसानी से ध्यान रख लेना, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, देखो यार, जो फल है वो उनके पेड़ देखे होंगे आपने, बहुत ही सुनहरे होते हैं। आसानी से ध्यान रख सकते हो, एक ही है सुनहरी क्रांति, और ये संबंधित है फलों के उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमृत क्रांति। देखो यार, जो अमृत है वो पानी होता है, गंगा जल जिसे अमृत बोलते हैं। आसानी से ध्यान रख सकते हो, यह संबंधित है नदी से। देखो यार, नदियों का जो पानी है, बहुत सी जगह जो ऊँची होती है, बहुत सी जगह नीची होती है, वहाँ पर जो समान रूप से पानी नहीं पहुँच पाता है, इस वजह से जो नदियाँ हैं बहुत सारी सूख जाती है, तो जो मुख्य नदी है उससे जो सूखी नदियों में उनका बहाव
मिला लिया जाता है, जिससे क्या है उनमें भी साल भर पानी उपलब्ध रहता है। तो इसी के लिए एक योजना चलाई गई जिसे बोला अमृत क्रांति, और ये अमृत क्रांति संबंधित है नदी जोड़ो परियोजना से। इससे क्या है नदियों को आपस में जोड़ा जाता है और उनसे उनमें पानी उपलब्ध हो जाता है। इस वजह से जो फसलें हैं, जो अन्य क्रांतियां हैं, उनको भी मदद मिलती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसर या फिर सलाटी क्रांति। ये स्थित है, सॉरी ये सीमेंट के लिए है। दूसर आसानी से ध्यान रख सकते हो, जो दूसर या स्लेट है, जो कलर है वो सीमेंट का होता है, और स्लेटी क्रांति यह शुरू की सीमेंट उत्पादन के लिए। आगे बात करते हैं गोल क्रांति। देखो यार बहुत ही सिंपल है, गोल आलू होता है और गोल क्रांति यह शुरू की गई आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं सेफ्रोन। सेफ्रोन का मतलब होता है केसर, और जी हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, सेफ्रोन क्रांति केसर उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। आसानी से ध्यान रख सकते हो, जम्मू कश्मीर भारत में केसर उत्पादन में पहला स्थान रखता है। आगे बात करते हैं बूरी क्रांति। पहले बता चुका हूँ बूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से। देखो यार वाइट गोल्ड क्रांति, जो कपास है उसे हम वाइट गोल्ड बोलते हैं या फिर सफ़ेद सोना। कपास को वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना बोलते हैं। आसानी से ध्यान रख सकते हो, वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। NH क्रांति, देखो यार NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से संबंधित। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन है ग्रीन ग्रोन क्रांति किसे कहते हैं। वो आपके लिए क्वेश्चन है, कपास, चाय, फसल या फिर मिर्ची। इसका जवाब कमेंट